ब्लूटूथ स्पीकर मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है। बहुत सारे रिपेयरिंग करने वाले भाई समझ नहीं पाते, इसमें कहीं भी चारों तरफ से स्क्रू नहीं होता, आप कैसे खोलेंगे? मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए, ये चार्जिंग सॉकेट है, ये यहाँ पर टूट चुका है, इसको हम रिपेयरिंग करके फिर से चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। इसको रिपेयरिंग करके आपके सामने दिखाएंगे, आप देखते रहिए। ये पहले आपको कैसे खोलना है ये ब्लूटूथ स्पीकर को, आपको नज़र आ रहा होगा ये दो क्लिप पहले ढूंढ के इसको निकालना होगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दो क्लिप है, आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है। देखिए टूट चुका है, देखिए खुल गया एक, और इसका जो रबर है खुल गया, और इस तरफ से भी खोलना है उसी तरह से। देखिए ये भी खुल गया, ये दो खुलने के बाद यहाँ पर आपको कहीं भी स्क्रू का नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको ये जो जाली दिख रहा है ऊपर का, ये जाली आपको निकालना है। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को यहाँ से लगा लेना है। देखिए ये जाली भी खुल गया, बहुत ही आसान तरीके से जाली खुल गया। जाली खुलने के बाद आपको यहाँ पर देखिए चार स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये चार स्क्रू को आपको खोल लेना है, खोलने से ये ब्लूटूथ किट खुल जाएगा। देखिए ब्लूटूथ किट पूरी तरह से खुल चुका है ये स्पीकर, और हमको यहाँ पर टेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये टूट चुका है, चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल टूट चुका है, इसको हम खोल के देखेंगे। चार्जिंग सॉकेट को हम खोल के देखेंगे, इसमें चार्जिंग का सॉकेट बिल्कुल टूट चुका है। ये देखिए ये चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर टूट चुका है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये चार्जिंग का सॉकेट बिल्कुल टूट चुका है, टूट के ये चार्जिंग सॉकेट को हम फिर से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल ही टूट चुका है, और इसको हम पहले ये सॉकेट को खोल लेते हैं। और ये लाइट को खोल लेते हैं, सोल्डरिंग करने से पहले हम ये कैपेसिटर को निकाल लेंगे। चुका है, और हम अभी इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे, और इसमें भी हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसको बिठा लेंगे, जिस तरह से फिटिंग हुआ था इसी तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। और ये सोल्डरिंग की मदद से अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे, थोड़ा सी पेस्ट लगा लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो चुका है, अभी हम चार्ज हो रहा है कि नहीं चेकिंग कर लेंगे। अभी हम ये जो कैपेसिटर को लगा लेंगे, ये देखिए ये कैपेसिटर को खोला था मैंने, लगा लिया है, ये देखिए बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गया है। अभी हम उसका सब बैटरी कनेक्शन कर लेंगे, स्पीकर और बैटरी का कनेक्शन कर लेंगे। स्पीकर का तार है और ये बैटरी,
कनेक्ट कर लिया, ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ऑन हो गया, यानी कि ये बढ़िया तरीके से चार्जिंग सॉकेट लग गया और देखिए चार्ज भी बहुत ही अच्छी तरह से चार्ज भी हो रहा है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए बढ़िया तरीके से फिटिंग हो गया और इसका जो एंटीना है ये देखिए बढ़िया तरीके से चार्ज हो रहा है, बढ़िया सॉकेट लग गया। अभी हम अच्छे से फिटिंग कर लेंगे, इसका लॉकेट भी लगा लेंगे। अभी हम चार स्क्रू लगा लेंगे। देखिए बढ़िया तरीके से फिटिंग हो गया। अभी हम इसका जाली लगा लेंगे। जाली लग गया और इसका कवर लगा लेंगे और इसका रबर दे देंगे और ये वाला फिटिंग कर लेंगे। बढ़िया तरीके से फिटिंग हो गया। बढ़िया तरीके से फिटिंग हो गया। ठीक है, लाइट भी जल रहा है और चार्ज करके देखेंगे। चार्जिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और इसको बढ़िया देखिए बढ़िया तरीके से हो गया। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, ऑन हो गया। इस तरह से आप भी अपने घर में बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत आसान तरीके से बहुत छोटा सा सॉकेट है चेंज कर सकते हैं। अगर ये सॉकेट टूट चुका है तो इस तरह से सॉकेट मिलता है आपको लगा के यहाँ से, इसलिए ब्लूटूथ को ठीक कर सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।